हमने घर के मालकिन का दिल जीत लिया, हमें नौकरी मिल गया है। तुझे हर वक्त चुकन्ना रहना होगा। मारना चाहती है बेगम साहब, अब हमारे पास ठिकाना नहीं है कोई, आप हमें रहने को जगह दे दो बेगम साहब। तुम बोले हमारा घर है, कोई दारोगा तो नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो इस वक्त तेरे पीछे खड़ी हो। तुम घर के सारे काम कर तो लेती हो ना? हाँ ना, हमें काम करने के वास्ते तो आया है। वो तुझे अपने घर बुलाकर। सुंबल के घर एक नौकरानी आती है जो सुंबल के घर काम करना चाहती है, और वो सुंबल से कहती है कि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए बेगम साहिबा आप मुझे यहाँ अपने पास ही रख लें। वहीं पे सुंबल इस बात से अनजान है कि अमन की माँ और उस बाबा ने उस औरत को भेजा है ताकि वो उस घर पर उन सब पर नज़र रख सके, क्योंकि अमन की माँ जिस बाबा के पास जाती है वो ये बात जानता है कि सुंबल जिस घर में रहती है उसमें एक कोई आत्मा रहती है। वहीं पे सुंबल की बेटी कामवाली को ज़ोर से थप्पड़ मारती है और चिल्लाती है, जिसे सुंबल आकर देखती है और उसे कहती है कि नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकती। वहीं पे अमन सुंबल से कहता है कि हमारा कोई घर कोई दारुल अमान नहीं।